हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय भारत और नेपाल के बीच में विवाद बहुत ही अधिक बढ़ चुका है, तो ऐसे में नेपाली जो मीडिया है उनका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे को लेकर, जो काला पानी, लिपू लेक, ऐसे जो मुद्दे भारत और नेपाल के बीच में चल रहे हैं उसको लेकर अलग अलग न्यूज़पेपर ने, चाहे वो नेपाल के किसी भी भाषा के हो, तो सभी ने क्या क्या कहा है और क्या राय दिया है कि नेपाल सरकार अगर ऐसा करेगी तभी उसे फायदा होगा, नहीं तो ऐसे बड़े मुद्दे को उठाना नेपाल के लिए ही घाटा होगा। तो चलिए हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या इनका ओपिनियन है। नेपाल सरकार ने 3 दिन पहले अर्थात 18 मई 2020 को एक ऐतिहासिक निर्णय में नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। जैसा भारत ने जारी किया था नवंबर 2019 में, उसी तरह से नेपाल ने भी जारी किया है, जिसमें लिम्पीधुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा में दिखाया गया है। नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायज दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली, या जिसे हम शारदा के नाम से भी जानते हैं, महाकाली नदी का सोर्स दरअसल लिम्पीधुरा ही है, जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। नेपाल की कैबिनेट का यह फैसला भारत की ओर से लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क के उद्घाटन के 10 दिनों के बाद अर्थात 8 मई 2020 को भारतीय रक्षा मंत्री ने सड़क का उद्घाटन किया था, उसके 10 दिन बाद 18 मई को नेपाल देश ने अपना नया नक्शा जारी किया। इस सड़क के बनाए जाने के बाद से नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था कि ये हमारे अंदर है या हमारे जमीन के, हमारे देश के अंदर है, आपने क्यों बनाया। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। नया राजनीतिक नक्शा सामने आने के बाद से ही नेपाल की मीडिया में अधिकांश बड़ी सुर्खियाँ इस मुद्दे के इर्द गिर्द बनी हुई हैं। कई ऐसे जो न्यूज़पेपर हैं वो पहले फ्रंट पर ही इसके बारे में छापी हैं, तो कई ऐसे हैं जो अपने जो एडिटोरियल होता है, संपादकीय होता है, उसके में उस हिस्से में जाकर इस टॉपिक पर डिस्कस किया है। हालांकि कुछ अखबारों ने नए नक्शे पर नेपाल के दावे के साथ साथ भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई दलीलों और टिप्पणियों को भी यहाँ पर जगह दी गई है इन पेपरों में। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला जो पेपर है, न्यूज़पेपर है नेपाल का, नेपाल सरकार के स्वामित्व वाले दैनिक अखबार गोरखा पत्र ने पहले पेज पर एक नक्शा प्रकाशित किया। तो ये है आपका जो गोरखा पत्र है और यहाँ पे ये नक्शा जारी किया गया है। नीचे भी ये हिस्सा थोड़ा सा कट रहा है तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा जारी कर दिया गया है। इसमें लिखा क्या गया ये आप समझिएगा। इसमें बताया गया कि, और शीर्षक के रूप में लिखा है कि नेपाल का नया नक्शा सार्वजनिक हुआ। वो ऊपर वाला जो हिस्सा चला गया यहाँ पे देखिए दिया गया है कि नेपाल को नया नक्शा सार्वजनिक। नीचे नेपाल की भूमि प्रबंधन मंत्री प्रदमा कुमारी आर्यन का बयान भी है कि हम अपने राष्ट्रीय क्षेत्रों की रक्षा करने से कतराते नहीं हैं। इसी प्रकार सरकार के स्वामित्व वाले एक अन्य अखबार द राइजिंग नेपाल ने भी बैनर हेडलाइन दी है, जिसमें लिखा है कि सरकार ने काला पानी, लिपुलेख और लिपुधुरा को शामिल कर नया मानचित्र जारी किया है। अखबार ने इसके नीचे सरकार द्वारा जारी किया गया नक्शा भी प्रकाशित किया है। इसी प्रकार जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल है, जो न्यूज़पेपर है, जैसे कांतिपुर है, द काठमांडू, अन्नापूर्णा पोस्ट, नागरिक और नया पत्रिका ने भी इस मुद्दे पर सभी अपडेट और विश्लेषणों के साथ साथ नए नक्शे को प्रकाशित किया है। साथ ही अन्य अखबारों ने भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान को भी छापा है। इन अखबारों ने नेपाल के लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि इस मुद्दे पर भारत की चिंताएं क्या क्या हैं। दैनिक अखबार जैसे कांतिपुर है, उसने क्या छापा इसमें बात किया जाए। दैनिक अखबार कांतिपुर ने काफ़ी सारी सूचनाएं के साथ साथ एक आर्टिकल भी छापा है कि आप इसमें जान सकते हैं कि कहाँ पे दोनों के बीच में तुलना कर दिया गया है कि भारत और नेपाल के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है और क्या जरूरी है प्रूव करने के लिए कि किसका हिस्सा है या किसका नहीं है। कांतिपुर न्यूज़पेपर ने प्रमाण बताया कि आखिर क्यों नेपाल का अपने नक्शे को लिम्पीधुरा, काला पानी और लिपुलेख तक फैला लेना जायज है। अखबार ने 1816 सुगोली संधि, भारत द्वारा जारी किए गए 1857 के मानचित्र, 1860 की संधि, 1875 के मानचित्र, स्थानीय लोगों की भूमि, जो राजस्व जो रसीदें होती हैं उसके बारे में, 1958 के चुनाव में मतदाता सूची और 1961 की राष्ट्रीय जनगणना का हवाला देते हुए नेपाल सरकार के कदम को सही ठहराया गया है। तो यहाँ पे सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कांतिपुर जो न्यूज़पेपर है उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट के बारे में बताया कि ये नेपाल देश के पास है। लेकिन जैसा नेपाल सरकार ने कहा था कुछ दिन पहले कि हमारे पास ऐसे जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल नहीं है, उसके फोटो कॉपी हैं। नेपाल के लगभग सभी प्राइवेट सेक्टर के मीडिया संस्थानों ने भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान को भी ये कहते हुए स्थान दिया कि नेपाल का ये कदम भारत के लिए अस्वीकार है। द काठमांडू पोस्ट अखबार ने कुछ विशेषज्ञों का नजरिया इस शीर्षक के साथ प्रकाशित किया कि एक नए मानचित्र को लेकर नेपाल और भारत के बीच जंग की स्थिति
इसी महीने में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता करने की प्रतिबद्धता जताई थी। जैसे जब सार्क का मीटिंग किया गया था, सभी 8 देशों को बुलाया गया था, तो नेपाल भी उसमें आया था, वही कहा गया। लेकिन जब केपी शर्मा ओली ने नेपाल का नया नक्शा जारी करते हुए कहा कि यह स्पष्ट किया कि नेपाल अपनी जमीन का एक भी इंच नहीं देगा, चाहे वो भारत हो या चाइना हो, किसी की वही देश को हम ना किसी का लेंगे ना ही देंगे। तो यही कहा गया है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनको दो रूप देखा गया है। पहले तो सभी देशों को मदद करने के लिए आए, उसके बाद से भारत से इस तरह से विवाद हो गया, तो उनका जो दोनों रूप है वह देखने को पूरे देश को मिला है, नेपाल को भी देखने को मिला है, उसके साथ साथ जो पड़ोसी देश हैं सभी को देखने को मिला है। तो नेपाल के सभी प्रमुख मीडिया संस्थानों ने उनके इस बयान को साहसिक और बोल्ड बताया है। दैनिक अखबार नागरिक ने अपने संपादकीय में जिसका शीर्षक है शुक्रिया, नेपाल सरकार ने राजनयिक बातचीत शुरू करके इस विवाद को सुलझाने का आग्रह किया है ताकि दोनों देशों के बीच अनूठे संबंध और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सके। लेकिन कांतिपुर अखबार के एक संपादकीय लेखक चंद्र कुमार किशोर ने इस मुद्दे पर अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। द बाउंड्री डॉन शीर्षक वाले अपने लेख में उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक नेपाली लोगों की आवाजाही के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं किया जाता और जब तक काला पानी के लोग भारत पर निर्भर हैं, तब तक नेपाली सरकार का दिवाली पर नए नक्शे का जश्न मनाने की जो प्रस्तावित योजना है वह कहीं ना कहीं एक मजाक वाली बात है, वो हास्यास्पद ही लगेगा। इससे सीमा पर रह रहे लोगों की तकलीफों पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। चंद किशोर की रिपोर्ट नेपाल की सीमा पर काली नदी से पूर्व में बसे सुदूर पश्चिम प्रांत के हालात पर चर्चा करती है, जहां नेपाली लोग भारतीय ब्रिज, फुटपाथ और रोड का इस्तेमाल अपनी आवाजाही के लिए करने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर इस इलाके में बाजार, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाएं भी आज भी उपलब्ध नहीं हैं। इन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की ये हालत उन नारों से एकदम अलग है जिन्हें बीते दशकों में काठमांडू के लोगों से सुना गया है, जिसमें वे भारत के काला पानी, लिपुधुरा और लिपुलेख के कब्जे के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे समय समय पे। भारत ने इन इलाकों पर अपना कब्जा होने से हमेशा इनकार किया है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो नेपाली न्यूज़पेपर है, न्यूज़ मीडिया है, उनका क्या ओपिनियन है इस काला पानी जो भारत और नेपाल के बीच में जो मुद्दा चल रहा है, क्योंकि इस समय बहुत ही अधिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ऐसे में सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन अभी भी जो भारतीय न्यूज़ मीडिया है उन्होंने अभी भी इसको फ्रंट पेज पर नहीं छापा है, अभी उसे एक छोटे से मुद्दे के रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से नेपाल में दिखाया गया माना जा रहा है कि ये मामला और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल आ रहा है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं उनके ऊपर अब उनके पास समय कम बचा। समय कम बचने का मतलब ये है कि वो अगर ऐसे कदम नहीं उठाएंगे, ऐसे जो मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, तो उनके शासन जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिस्कस हो चुका है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये आपने भी देखा होगा और डेली न्यूज़पेपर में आ भी रहा है। तो इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।